देश में राजधानियों पे ये प्रोग्राम चले हैं, 3 दिन के हैं, 26, 27, 28 नवंबर। तो पंचकुला में हैं, हरियाणा वाले के वहाँ भी जाएंगे और हम जो पंजाब हैं उनके वहाँ पे भी, दोनों जगह हम जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हैं तो वहाँ पे हमारी और टीम लगी हुई है। तो पूरे देश भर में ये प्रोग्राम चल रहे, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री को ज्ञापन इसके जाएंगे। जो देश की समस्या है, MSP का सवाल है, बिजली की दिक्कतें हैं, ये जो जितने भी सवाल है हमारे इस संबंध में हैं, और जो स्टेट के अलग अलग दिक्कतें हैं उस संबंध में संयुक्त मोर्चे का ये प्रोग्राम। MSP का एक बड़ा सवाल पूरे देश में है और MSP अब पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आ गया। जो विपक्ष वाले लोग भी हैं या वे भी MSP की बात करने लगे, कहीं MSP से ज़्यादा भी अपने घोषणा पत्र में पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर आ रही है। जैसे छत्तीसगढ़ है, वो MSP से ज़्यादा धान के रेट दे रहा है और अभी भी उसने घोषणा करी कि मैं 1500 रुपये ज़्यादा दूंगा। वहाँ पे जो BJP सरकार है उसने भी घोषणा करी कि हम भी उसके बराबर से देंगे। तो ये प्राइस वार भी छिड़ा है और हमने कहा कि MSP गारंटी कानून देश में बन जाए, तो देश में अगर लागू हो जाए तो उसका लाभ सबको मिल जाएगा। चुनाव लड़ने के बाद वो राजनीति में कामयाबी मिली नहीं किसानों को। पहले बहुत जगह ट्रायल करा है तो कभी भी किसान को राजनीति में कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि जब वोट पड़ती है तो उसमें सभी का वोट चाहिए और हम आंदोलन करते हैं सिर्फ किसान के नाम पर आंदोलन करते हैं तो उसमें वोट बट जाती है फिर, तो इसलिए कामयाबी उसमें नहीं मिली।